इस वक्त समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्णीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव चर्चा में बनी हुई है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि वे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर एक बार फिर समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। अपर्णा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक पॉलिटिक्स से दूर रहना ही पसंद करते हैं। ऐसे में कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अखिलेश के छोटे भाई क्या काम करते हैं, तो चलिए जानते हैं प्रतीक यादव के प्रोफेशन और लाइफस्टाइल के बारे में। प्रतीक यादव यूपी की सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई हैं। हालांकि वह मुलायम के सगे बेटे नहीं हैं, बल्कि उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता और उनके पहले पति चंद्र प्रकाश गुप्ता के बेटे हैं। साधना से शादी के बाद मुलायम ने प्रतीक को अपने बेटे के रूप में अपनाया था। प्रतीक के सभी सरकारी दस्तावेजों में भी पिता के नाम पर मुलायम सिंह यादव का ही नाम दर्ज है। अखिलेश यादव अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और लगातार पॉलिटिक्स में ही सक्रिय बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रतीक यादव इस फील्ड में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वह पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते। प्रतीक कई बार कह चुके हैं कि उन्हें ना तो राजनीति पसंद है और ना ही उनका आगे इसमें आने का इरादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे बेरोजगार हैं, बल्कि प्रतीक यादव पॉलिटिक्स से दूर खुद का बिजनेस करते हैं। वह रियल एस्टेट का काम करने के साथ ही लखनऊ में जिम भी चलाते हैं। वह खुद भी बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं और खुद को फिट रखने के लिए योग व एक्सरसाइज करते हैं। अपने बिजनेस और जिम से प्रतीक यादव तगड़ी कमाई करते हैं। वह एक आलीशान जिंदगी गुजारते हैं। उनके पास आलीशान घर से लेकर कई लग्जरी गाड़ियां हैं। वह लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कार की सवारी करते हैं, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लैम्बोर्गिनी के अलावा उनके पास और भी कई दमदार गाड़ियां हैं। नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतीक के पास करोड़ों की संपत्ति है।